दिल्ली की बात करें तो यहां पर कोरोना महामारी का भयानक प्रकोप है, मगर ऐसे प्रकोप के दौरान भी दिल्ली में जोरदार सियासत जारी है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार सूबे में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा छिपा रही है, जबकि दिल्ली सरकार ने ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। देखिए, क्या दिल्ली में छिपाए जा रहे हैं कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत के आंकड़े? क्या दिल्ली सरकार कोरोना से मरने वालों की संख्या कम बता रही है? दिल्ली सरकार के आंकड़े और केंद्र के अस्पतालों में होने वाली मौत के आंकड़ों में अंतर क्यों? सबको मालूम है कि दिल्ली पर कोरोना का कहर बरपा है। दिल्ली वाले कोरोना के संकट से किसी तरह जान बचाने की जुगत में हैं, लेकिन ऐसे भयानक संकट के दौर में एक नया विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े छिपा रही है। मृतकों के आंकड़ों पर झूठ क्यों बोल रहे हैं? आज दिल्ली के अखबारों ने 348 मौत होने का आंकड़ा दिया, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी मात्र 80 की संख्या आज बता रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ये सवाल इसलिए उठाए हैं क्योंकि दिल्ली सरकार अपने मेडिकल बुलेटिन में जो आंकड़े बता रही है वो केंद्र से संचालित अस्पतालों में कोरोना से जो मौत हुई है उनके आंकड़ों से बहुत अलग है। समझिए, दिल्ली सरकार के मुताबिक 8 मई की रात तक दिल्ली में कोरोना संक्रमण से कुल 68 लोगों की मौत हुई है, जबकि केंद्र से संचालित RML अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और एम्स अस्पताल में ही कोरोना से 69 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक RML अस्पताल में अब तक सिर्फ 26 मौत हुई है, जबकि RML अस्पताल के मुताबिक यहां कोरोना के 52 मरीज अब तक दम तोड़ चुके हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक एम्स में अब तक कोरोना से सिर्फ 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एम्स के मुताबिक अब तक यहां कोरोना से 14 लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर सीधे सीधे दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, मगर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की अपनी दलीलें हैं। वो अड़े हुए हैं कि आंकड़ों में कोई हेरफेर नहीं हो रहा। ऐसा पॉसिबल है क्या किसी भी देश के राज्य में कहीं पर भी पॉसिबल है कि मौत हो जाए उसको छुपा ले? पॉसिबल ही नहीं है। कोई डाटा कोई मेरे पर्सनल किसी के हाथ में नहीं होता है, दिस इज पब्लिक डोमेन। जो भी डेथ है वो डेथ आएगी, ओनली इशू इज डेथ समरी आ जाए कि वो बता दे कि भाई कोविड से डेथ हुई है, उसको कर लिया जाएगा। दिल्ली में हालात बिगड़े हुए हैं। कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 6542 तक पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि मौत के आंकड़े पर विवाद क्यों है? कौन सच बोल रहा है और कौन मौत पर राजनीति कर रहा है? अब सरकार को इंतजार है फाइनल रिपोर्ट्स का। ये रिपोर्ट्स दिल्ली सरकार के अलग अलग अस्पतालों से आनी है, लेकिन जब रिपोर्ट आएगी तो इस सवाल से भी पर्दा उठ जाएगा कि मौत के आंकड़ों पर कौन सच्चा है और कौन झूठा। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।